हेलो फ्रेंड्स आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ई सी एल ई एवरीबडी कन लर्न इंग्लिश हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है तो स्वागत है आपके इस चैनल पर और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं टोई वर्ब एंड टोवी पास्ट सेंटेंस और प्रेजेंट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस और मैं कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस कुछ डिफरेंट वाक्य लेकर आए हैं आपके बीच में साथ ही जैसा मैं कल मीनिंग्स लेकर आए थे सिक्स आज मैं सिक्स मीनिंग लेकर आया हूँ आज भी ताकि आपकी वॉक ग्रामर प्रैक्टिस सब कुछ आपकी इंप्रूव हो सके आपकी प्रैक्टिस भी इंप्रूव हो सके डेट्स वाई मैं ज़्यादातर मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें अंग्रेजी का क्योंकि ग्रामर तो हम कर लेंगे लेकिन हमें प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है सो so, आज की स्टार्ट करने से पहले एक कोड है कि अगर तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते हज़ार निकल आते हैं और तमन्ना झूठी हो तो बहाने हज़ार निकल आते हैं आज के इसी मोटिवेशन कोड के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सो so, मेरे पास सिक्स मीनिंग है फर्स्ट मीनिंग ऑकवर्ड ऑकवर्ड मीन्स होता है भद्दा बेटर मीन्स होता है कड़वा चीप मीन्स होता है सस्ता ब्लेम मीन्स होता है दोष, करेक्ट मीन्स होता है चरित्र हॉनरेबल मीन्स होता है सम्माननीय ओके सो so, और जो सेंटेंसेस हैं दीवार का रंग भद्दा था तुम्हारा दोस्त था मोबाइल का कवर सस्ता है शिक्षक शिक्षक का चरित्र सम्मानीय था नीम कड़वी होती है ओके सो वी हैव द फाइव सेंटेंस सिक्स मीनिंग्स For the practice and we will practice together. I will practice and you will practice at home. So आप main हम अपन practice करेंगे यहाँ पर और आप घर पर practice करेंगे So फर्स्ट है दीवार का रंग भद्दा था तो मैंने पहले ही इसका सेंटिस बना लिया है तो दीवार का रंग भद्दा था तो hey कोई भी चीज़ हो दीवार का रंग मतलब कलर ऑफ वॉल क्या होता है इसकी मीनिंग कलर ऑफ बॉल तो दीवार का रंग घर का रंग किताब के पेज तो सब कैसे बनेंगे इसी से बनेंगे जैसे मैंने बोला है दीवार का रंग कलर ऑफ बॉल किताब के पेजेस सो पेजेस ऑफ बुक ओके पेन की सहाई तो क्या बनाएंगे इंक ऑफ पेन शर्ट के बटन बटन ऑफ शर्ट ओके इस प्रकार से हम बना सकते हैं कैसे बनाएंगे दीवार का रंग भद्दा था तो कलर ऑफ बॉल बॉस ऑकबर्ड ओके सो so, यह भी सिंगुलर रहेगा ज़्यादातर तो हम बॉस लगाएंगे और जहाँ पिलर रहेगा वहाँ बल बल लगाएंगे और जहाँ पास्ट में सॉरी प्रेजेंट में ईज और आर का उपयोग करेंगे ओके सो so, आज स्टार्ट करते हैं दीवार का रंग भद्दा था तो कलर ऑफ बॉल बॉस ऑकबर्ड दीवार का रंग भद्दा नहीं था मेरे साथ बोलिए कलर ऑफ वॉल वॉज नॉट ऑकवर्ड क्या दीवार का रंग भद्दा था बॉस कलर ऑफ बॉल ऑकवर्ड क्या दीवार का रंग भद्दा नहीं था बॉस कलर ऑफ बॉल नॉट ऑकवर्ड दीवार का रंग कब भद्दा था ओके वैन वॉज कलर ऑफ बॉल ऑकवर्ड दीवार का रंग कब भदा नहीं था वैन बॉस कलर ऑफ बॉल नॉट ऑकवर्ड ओके बहुत आसान है आपको भी इसी प्रकार सेंटेंस बनाने हैं घर पर और ऐसे ही सेंटेंस को देखकर इसकी प्रैक्टिस करनी है फिर मैं बताऊंगा कि बना देखे कैसे प्रैक्टिस की जाती है तो बना देखे कैसे प्रैक्टिस की जाती है कि यह तुम्हारा दोस्त था ओके okay? मैंने पहले मीनिंग लिखा है कि यह मतलब होता है क्या दिस ऐसे हम क्या पढ़ते हैं इसे हम पढ़ते हैं दिस पढ़ते हैं ओके okay? दिस मीन्स होता है यह तो क्या बनाएंगे यह तुम्हारा दोस्त था तो हम बनाएंगे दिस बॉज़ योर ब्लेम ओके तुम्हारा यह तुम्हारा दोस्त नहीं था कैसे बनाएंगे दिस बॉज नॉट योर ब्लेम क्या यह तुम्हारा दोस्त था कैसे बनाएंगे मेरे साथ बोलिए वॉज दिस योर ब्लेम क्या यह तुम्हारा दोस्त नहीं था वॉज दिस नॉट योर ब्लेम तुम्हारा कब दोस्त तुम्हारा यह कब दोस्त था वैन वॉज दिस योर ब्लेम तुम्हारा कब दोस्त नहीं था वैन वॉज दिस नॉट योर ब्लेम ओके वेरी गुड मेरे साथ मोबाइल का कवर सस्ता है ओके okay? कवर मीन्स होता है हिंदी मीनिंग नहीं है मालूम लेकिन कवर को कवर ही बोलते हैं ज़्यादातर बोलचाल की भाषा में तो मोबाइल का कवर सस्ता है तो कैसे बनाएंगे मैंने बताया था ना मेरे साथ बोलिए कवर ऑफ कवर ऑफ मोबाइल क्या लिखेंगे कवर ऑफ मोबाइल ओके सो मोबाइल का कवर क्या है सस्ता है तो क्या बनाएंगे कवर ऑफ मोबाइल इज एक ही है ना कवर तो कवर ऑफ मोबाइल इज़ सस्ता मीज क्या बताया था मैंने चीप मोबाइल का कवर सस्ता नहीं है कवर ऑफ मोबाइल इज़ नॉट चीप क्या मोबाइल का कवर सस्ता है इज़ कवर ऑफ मोबाइल चीप क्या मोबाइल का कवर सस्ता नहीं है इज कवर ऑफ मोबाइल नॉट चीप मोबाइल का कवर कितना सस्ता है तो हाउ मच और हाउ मैनिंग के साथ बना सकते हैं तो हाउ मच इज कवर ऑफ मोबाइल चीफ मोबाइल का कवर कितना सस्ता नहीं है ओके सो हाउ मच इज कवर ऑफ मोबाइल नॉट चीफ आप बोल सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ शिक्षक का चरित्र सम्मानीय था ये किसमें है पास्ट में है तो सम्मान की मीनिंग है यहाँ पर ऑनरेबल एच यहाँ पर क्या है साइलेंट है ओके okay? या हॉनरेबल बोलते हैं या ऑनरेबल बोलते हैं शिक्षा का चर्त सम्मानीय था कैसे बनाएंगे मेरे साथ बोलिए कैरेक्टर ऑफ टीचर कैसे लिखते हैं कैरेक्टर ऑफ टीचर ओके कैरेक्टर ऑफ टीचर तो कैसे मेरे साथ बोलिए कि शिक्षक का चरित्र सम्मानीय था कैरेक्टर ऑफ टीचर वॉज ऑनरेबल ओके शिक्षक का चरित्र सम्मानीय नहीं था ओके okay? क्या बनाएंगे कैरेक्टर ऑफ टीचर नॉट ऑनरेबल क्या शिक्षक का चरित्र सम्मानीय था वॉज कैरेक्टर ऑफ टीचर ऑनरेबल क्या टीचर का चरित्र सम्मानीय नहीं था मेरे साथ बोलिए वॉस कैरेक्टर ऑफ टीचर नॉट ऑनरेबल या ऑनरेबल शिक्षक का चरित्र क्यों सम्मानीय था क्योंकि मीनिंग क्या है वाई वाई वॉस कैरेक्टर ऑफ टीचर ऑनरेबल शिक्षक का चरित्र क्यों सम्मानीय नहीं था मेरे साथ बोलिए वाई वॉस कैरेक्टर ऑफ टीचर नॉट ऑनरेबल ओके अच्छी प्रैक्टिस हो रही है ना आप पे भी आने लगेगा आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आज का लास्ट सेंटेंस है नीम कड़वी होती है मैंने क्या बताया नीम कड़वी होती है ओके सो नीम की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है नीमी होती है ओके सो नीम कड़वी होती है कड़वी की मीनिंग लिखा है क्या कड़वा या कड़वी यह बिटर ओके सो क्या बोलेंगे नीम कड़वी होती है नीम इज बिटर नीम कड़वी नहीं होती है नीम इज नॉट बिटर क्या नीम कड़वी होती है इज नीम बिटर क्या नीम कड़वी नहीं होती है इज नीम नॉट बिटर नीम कितनी कड़वी होती है हाउ मच इज नीम विटर नीम कितनी कड़वी नहीं होती है हाउ मच इज नीम नॉट बिटर ओके सो आज हमने प्रैक्टिस कर ली है आपको भी ऐसे ही घर पर प्रैक्टिस करनी है सेंटेंस से बनाकर ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए ट्रांसलेशन की और आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आपके सेंडिस आने लगे ओके okay? सो so, ए प्रैक्टिस आपकी दिमाग की हो रही है लाइक like, और जब कोई आपसे सेंडिस पूछेगा तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन कर देंगे सॉरी <coughs> क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है कि आपको ज़रूरत नहीं है जैसा कि मैं एक हर बार की तरह एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं या साइकिल सीख रहे हैं तो साइकिल सीखते समय जब कोई नया बंदा होता है तो साइकिल सबसे पहले हैंडल देखता है हैंडल की ओर देखता है या फिर पैडल देखता है लेकिन जब अभ्यास करता है बार 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 तो उसका इतना ज़्यादा अभ्यास हो जाता है कि ना वो कभी हैंडल देखता है ना वो कभी पैडल देखता है ना वो कभी यह सोचता है कि मुझे ब्रेक लगाना सामने आ जाए सब कुछ क्या होता है सब कुछ बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाता है क्यों वो ऑटोमेटिक कोई चमत्कार नहीं है वो किसका खेल है प्रैक्टिस का खेल है इसी प्रकार हम बाइक चलाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक हैबिट हो जाती है तो हमें इंग्लिश को किस में लाना हैबिट में लाना है प्रैक्टिस में लाना है तभी हम अच्छी अंग्रेजी को सीख सकते हैं तो आपको यह सेशन कैसा लगा यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपकी इंट्रोडक्शन जो क्लास है आप इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखें जो चार पाँच छः क्लास हुई हैं आप आसानी से देख सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं सेंटेंस बना सकते हैं और जब आप मेरे साथ चलोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है तो मैं चैनल का नाम बता दूँ चैनल का नाम है टेलीग्राम चैनल है जो ग्रुप है उसका नाम है ई सी एल ई क्या है ई सी एल ई यह कहाँ मिलेगा आपको टेलीग्राम पर मिलेगा भैया कहाँ मिलेगा भाई और बहनों टेलीग्राम पर आपको यह चैनल मिलेगा और आप जाइए इस पर इस चैनल की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन से जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट कर आप ज्वाइन का ऑप्शन आएगा वह ज्वाइन कर लीजिए बस आप चैनल में ऐड होगा पब्लिक ग्रुप है तो वहाँ मैं जो भी आपको बताता हूँ कि आपको सेंटिस्ट बनाने हैं रिकॉर्डिंग करनी है कोई क्वेश्चन पूछना है तो सब कुछ उस ग्रुप पर संभव है सो आपको ये क्लास कैंसिल ही आप कमेंट बॉक्स में बताएं और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आज के लिए इतना ही ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग जय भीम जय भारत जय हिंद